सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहां पर आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि यहां पर माइक्रोमैक्स रिलेटेड है। तो दोस्तों, अगर आप यहां पर माइक्रोमैक्स कोई भी स्मार्टफोन वगैरह परचेस करने जा रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यहां पर कन्फ्यूजन में है, बेसिकली इस टॉपिक को लेकर के मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आए, तो पूरी कन्फ्यूजन आपको यहां पर क्लियर करने वाला हूं प्रूफ के साथ में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो जो वीडियो सबसे पहले यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करूं आपसे यहां पर माइक्रोमैक्स के बारे में, तो माइक्रोमैक्स यहां पर आजकल सुर्खियों में है और माइक्रोमैक्स के दो स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने के बाद, जो कि काफी अच्छी प्राइसिंग पे है। अब दोस्तों, यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज निकल करके आ रही है, जो कि आप लोगों ने भी मुझसे यहां पर पूछा। दोस्तों, यहां पर काफी सारे लोगों का यह कहना है कि जो माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहा है वो मेड इन इंडिया स्मार्टफोन का नाम लेकर के हमें यहां पर चाइनीज स्मार्टफोन बेच रहा है। अब दोस्तों, यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फाइनली ये दावा कर रहे हैं कि माइक्रोमैक्स ने अपने जो माइक्रोमैक्स इन नोट वन स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, वो स्मार्टफोन ऑनर के 9X स्मार्टफोन का रीब्रांडेड वर्जन है, जो कि फाइनली यहां पर इंडिया में लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों, यहां पर काफी लोगों ने यह दावा किया, मे बी आप लोगों ने वीडियोस वगैरह देखा होगा। अगर आपने देखा है इस टाइप की वीडियोस तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, यहां पर यह दावा किस बेसिस पे किया जा रहा है? इस बेसिस पे किया जा रहा है कि जो ऑनर का 9X स्मार्टफोन है, इसकी अगर हम बैक पैनल की डिजाइनिंग देखें और माइक्रोमैक्स इन नोट वन स्मार्टफोन की बैक पैनल की डिजाइनिंग देखें, तो दोनों स्मार्टफोन की जो डिजाइनिंग है पीछे की साइड की, वो एकदम सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिलती है, सिर्फ और सिर्फ कैमरा मॉडल को छोड़कर के। कैमरा मॉडल अगर हम यहां पर रिप्लेस कर दें माइक्रोमैक्स इन नोट वन स्मार्टफोन में, तो ये जो स्मार्टफोन है वो ऑनर का 9X स्मार्टफोन हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहां पर रियलिटी बताऊं तो मैं ये दावा के साथ में कह सकता हूं कि दोस्तों, ये जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो स्मार्टफोन है वो कहीं से भी माइक्रोमैक्स इन नोट वन स्मार्टफोन जो है वो कहीं से भी ऑनर के 9X स्मार्टफोन का रीब्रांडेड वर्जन नहीं है। ये जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग के बेसिस पे हम किसी भी स्मार्टफोन को जज नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि दोस्तों, अगर आप आज मार्केट में देखें तो हर एक कंपनी का जो स्मार्टफोन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरी कंपनी के स्मार्टफोन के आइडेंटिकल है। कहीं ना कहीं हर एक कंपनी के जो स्मार्टफोन्स हैं वो दूसरी कंपनी के स्मार्टफोन के डिजाइनिंग वगैरह से मिलते जुलते हैं। तो दोस्तों, डिजाइनिंग के सिर्फ और सिर्फ बेसिस पे ये जज करना कि नहीं, जो अगला स्मार्टफोन है वो तो इस कंपनी का रीब्रांडेड है, ये कहना बिल्कुल भी गलत है, सरासर गलत है। और दोस्तों, अब मैं बात करता हूं आपसे प्रूफ के बारे में। यहां पर आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने मुझसे ये कमेंट करके कहा कि यार, इस टाइप की बातें निकल कर क्या रही हैं। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो स्मार्टफोन है वो ऑनर के 9X स्मार्टफोन का रीब्रांडेड वर्जन है। तो आप यहां पर ट्विटर पे राहुल शर्मा को टैग करो और उनसे ये पूछो कि इसके पीछे का क्या चक्कर है। तो यहां पर ट्विटर पे तो मैं टैग नहीं किया, लेकिन राहुल शर्मा का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू 91 मोबाइल पे निकल करके आया है, जहां पर दोस्तों उनसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें एक क्वेश्चन और ये भी शामिल है कि आपने जो स्मार्टफोन को लॉन्च किया है इंडिया में, उसका आपने नाम दिया है मेड इन इंडिया, तो क्या ये जो स्मार्टफोन है वो सच में एक मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है? और अगर ये मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है तो किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन है मेड इन इंडिया है? आपने लोकली मैन्युफैक्चर कितने गुड्स वगैरह को यहां पर इस स्मार्टफोन में यूज किया है और इसके पीछे का क्या पूरा मामला है? तो दोस्तों, आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, यहां पर इन्होंने पूरा दावा किया है कि ये जो स्मार्टफोन है वो मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है, हमने यहां पर प्रोसेसर को छोड़ करके जितनी भी चीजें हैं वो लोकली ही यूज की हैं। और दोस्तों, इन्होंने कहा है कि इंडिया के 3 स्टेट में हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जहां पर हम स्मार्टफोन के जितने भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, जितने भी कंपोनेंट वगैरह होते हैं, उनको हम खुद से यहां पर मैन्युफैक्चर करते हैं। और दोस्तों, इन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम 1 महीने में 2 मिलियन फोन्स को तैयार कर सकते हैं, 1 महीने में 2 मिलियन फोन्स का प्रोडक्शन माइक्रोमैक्स वाले कर सकते हैं। उसके साथ में यहां पर इन्होंने कहा कि हमारा खुद का R&D सेंटर भी है बेंगलुरु में, जहां पर हम रिसर्च और डेवलपमेंट अपने प्रोडक्ट वगैरह पे करते रहते हैं। और दोस्तों, इन्होंने कहा कि जितने भी प्रोडक्ट हमने इंडिया में लॉन्च किया है वो फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है। दोस्तों, यहां पर इन्होंने कहा कि प्रोसेसर को छोड़कर के ज्यादातर जो चीजें हैं वो हमने खुद से ही यहां पर बनाई हैं, खुद से ही हमने लोकली प्रोडक्ट वगैरह को मैन्युफैक्चर करके यहां पर इस स्मार्टफोन में यूज किया है। क्योंकि इन्होंने कहा कि प्रोसेसर बनाना एक दिन का खेल नहीं कि हमने आज शुरू किया और कल हम प्रोसेसर को बना दिए, प्रोसेसर बनाने में काफी टाइम लगता है। और इन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में हम जरूर से यहां पर इस पे काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम खुद का प्रोसेसर वगैरह भी यहां पर डेवलप करेंगे। और इन्होंने कहा है कि सॉफ्टवेयर को भी हम फुल्ली यहां पर डेवलप कर रहे हैं और आने वाले, इन्होंने कहा कि 12 से 18 मंथ के अंदर हम यहां पर अपनी हार्डवेयर कैपेबिलिटी को भी बढ़ा रहे हैं और हम ज्यादातर जो हार्डवेयर है वो खुद से यहां पर इंडिया में डेवलप करेंगे। तो ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू निकल कर आया था 91 मोबाइल पे, जो कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग के बेसिस पे ये कहना कि नहीं, ये जो स्मार्टफोन है फलाने स्मार्टफोन का रीब्रांडेड है, उसका रीब्रांडेड है, ये जो बातें वो फालतू की बातें हैं।
और यहाँ पर जो लोग भी इस टाइप की बातें फैला रहे हैं यार, इंडिया में रह करके इस टाइप की बातें फैला रहे हैं, इंडियन कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर कंपनी जो है वो काफी समय पहले ही बंद हो चुकी थी, इन लोगों ने फिर से स्टार्टअप किया है, फिर से यहाँ पर स्टार्ट किया है, इतना मार्केट में भयंकर कंपटीशन है, लेकिन इन लोगों ने इतने कम प्राइस पे मतलब पूरे मार्केट को हिलाते हुए स्मार्टफोन्स को वगैरह को लॉन्च किया। ये बात काफी ज्यादा मतलब शॉकिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहने वाले लोग तो कहते रहते हैं। अगर कोई भी एक अच्छी स्मार्टफोन कंपनी आगे बढ़ रही है तो दो चार लोग कहने वाले होते हैं जो जिनके कहने से कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। दोस्तों ये जो बातें उड़ रही हैं वो फालतू की र्यूमर्स हैं, फालतू की अफवाह हैं, किसी भी एक काफी अच्छी कंपनी को डिफेम करने के लिए और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर राहुल शर्मा ने खुद ही ये दावा कर दिया है कि ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर किसी भी ऑनर वगैरह या फिर किसी भी स्मार्टफोन के रीब्रांडेड नहीं है। अब आपका क्या कहना है इन सभी चीजों के बारे में? फाइनली ये थे मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियन और यहाँ पर कुछ चीजें भी निकल करके आई थी जो कि मैंने जरूर से आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहिए। वैसे ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सीरियस लगा मुझे, मैं उससे जरूर से इसके बारे में आपसे बात करनी चाहिए। अब आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपका क्या ओपिनियन है ये जो फालतू की न्यूज निकल करके आ रही है इसके बारे में? और जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा। अब फाइनली दोस्तों ये था इस वीडियो में, आशा करता हूँ थोड़ी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।